वेलकम फ्रेंड्स, आपकी शिकायत है कि बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो इसके लिए कौन कौन सी डायरेक्शंस रेस्पॉन्सिबल है, आइए चेक करते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग। हॉरोस्कोप हम मैच करेंगे, लेकिन इससे पहले हम वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आपके घर में कोई मिस्टेक आपने कर रखी है तो उसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे ईस्टर्न डायरेक्शन, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन जो है वो समाज से, उन लोगों से आपका कनेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा जिनकी आपको ज़रूरत है। लेकिन आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसका अर्थ है वहाँ पर आपके टॉयलेट आ गई है या वहाँ पर क्लटर आपने इकट्ठा कर रखा है। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्टर्न डायरेक्शन में। इसके अतिरिक्त अगर आपने वहाँ पर आयरन के जो आइटम्स हैं वो भी अगर वहाँ प्लेस कर रखे हैं तो ये भी आपके कनेक्शन को जुड़ने में आपको बाधा पहुँचाएंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर यहाँ बैलेंस है इस डायरेक्शन तो आपका कनेक्शन तो हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ अगर इम्बैलेंस है, आपका कनेक्शन ईस्ट डायरेक्शन ने करवा दिया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यदि आपकी टॉयलेट आ गई है तो वो फिर आपके इस काम में बाधा पहुँचाएगी। किस प्रकार से पहुँचाएगी? जैसे टॉयलेट आ गई है, क्लटर आपने वहाँ पर कर रखा है, ब्लू एंड ब्लैक कलर वहाँ पर आपने अगर कर रखा है उस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये क्या इफेक्ट लाएगा आपके इन रिश्तों में? वहाँ आपकी बात बनते बनते बात बिगड़ जाएगी, यानी रुक जाएगी वो बात। तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करिए, वहाँ पर कहीं आपकी टॉयलेट तो नहीं आई हुई है। अगर टॉयलेट है तो उसको ट्रीट किया जाएगा। अगर आपके ब्लू एंड ब्लैक कलर आपने वहाँ पर कर रखे हैं तो उसको आप ट्रीट करिए, टॉयलेट को जो कलर पट्टी के माध्यम से उसका ट्रीट किया जाएगा। अब अगर यहाँ आपने बैलेंस कर लिया या बाई चांस आपका बैलेंस है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट ने आपको कनेक्शन दे दिया, साउथ ईस्ट ने आगे बात बढ़ाई, बात बढ़ने के बाद में आप चेक कहाँ करेंगे? साउथ वेस्ट डायरेक्शन को चेक करेंगे, क्योंकि साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो रिश्तों को बनाने में सहयोग करती है। अब जैसे दोनों चीज़ें आपकी बैलेंस्ड है और आपकी बात आगे बढ़ गई है, तो रिश्तों को जोड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर इम्बैलेंस हो गया तो फिर क्या होगा उसका रिजल्ट? बाय चांस यहाँ पर टॉयलेट आ गई है या ऐसे कलर्स आ गए, रेड कलर आ गया, ग्रीन कलर आ गया है, तो आपकी जो बनी हुई बात है वो भी बिगड़ सकती है। तो इस चीज़ को आप चेक करिए कि साउथ वेस्ट में कहीं आपके टॉयलेट तो नहीं बनी हुई है, वो इस बात को कहीं बाधा तो नहीं पहुंचा रही है। इसके अलावा वहां पर कलर के माध्यम से तो आपने कोई इम्बैलेंस नहीं कर रखा है कि आपके रिश्तों को मजबूती नहीं मिल पा रही है, यानी जो रिश्ता आपका आया वो बन नहीं पा रहा है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को चेक करेंगे, टॉयलेट है तो उसको ट्रीट करेंगे। ये ट्रीट करने के बाद में आपका रिश्ता आगे जब बढ़ जाएगा तो वेस्ट डायरेक्शन को आप चेक करिए। वेस्ट डायरेक्शन क्योंकि प्राप्तियों की है, गेंस की है, यानी आपका जो रिश्ता है, आपकी विश को फुलफिल करने वाला जो डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन है, तो उसको चेक करिए कहीं वहाँ पर तो आपने क्लटर नहीं इकट्ठा कर रखा है। वहाँ अगर आपने ऐसे कुछ सामान रख रखे हैं, ऐसा कुछ आइटम्स वहाँ पर रख रखे हैं, तो फिर आपके इस रिश्ते को पूर्ण रूप से शादी में कन्वर्ट होने में उसकी जो है प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो वेस्ट को आप करेक्ट कीजिए। अब बाई चांस आपका ये वेस्ट डायरेक्शन आपने करेक्ट कर लिया है तो फिर आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा, यानी वहाँ से जो रिश्तेदार हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट अगर आपका बैलेंस्ड है तो क्या होगा? जो आपने रिश्ता बनाया है उसको आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी सपोर्ट करेंगे, तो वहाँ से अगर आपको सपोर्ट मिल गया है, और फिर नॉर्थ डायरेक्ट वेस्ट जो डायरेक्शन है उसको भी आप चेक करिए, क्योंकि ये अट्रैक्शन का डायरेक्शन है, यानी आपके जो बच्चे हैं वो अट्रैक्शन वाले हैं या नहीं है, यानी उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं या नहीं है जो रिश्ता होने के लिए चाहिए होती है। तो वो अगर इम्बैलेंस है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए। वहाँ इम्बैलेंस किस प्रकार से होगा? बाय चांस वहाँ पर आपकी किचन आ गई है तो उसको ट्रीट करिए, रेड कलर बहुत फायर वहाँ पर आ गई है तो उसको आप ट्रीट कर लीजिए। उसको आप जैसे ही ट्रीट करेंगे तो आपके जो बच्चे की जो शादी है या आपके बच्चे का जो रिश्ता है वो फिक्स होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी।
तो इस प्रकार से सारे जो डायरेक्शंस है उनको आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद में ये रिश्ता इस प्रकार से आपका बन जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो टिप्स हैं, ये जो डायरेक्शन है, इनको करेक्ट करने के बाद में आपके बच्चों की शादी ज़रूर होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। व्यू आप करते हैं लेकिन मुझे भी सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। आपका उसमें कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपको एक रेड बटन ही दबाना होगा, तो आप उसको प्रेस कर दीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को देखते रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।